नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया खबर लाइव। आपके साथ मैं अनुव्रत शर्मा। खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले से। जी हां, सरीला क्षेत्र के ग्राम मसीदन में पशु आरोग्य शिविर का आयोजन उप जिला अधिकारी सरीला जुबेर वेग की अध्यक्षता में किया गया। सर्वप्रथम गौ पूजन तथा पंडित दीनदयाल उपाध्याय के चित्र पर माल्यार्पण कर सामान्य पशुओं की चिकित्सा वाधियाकरण टीकाकरण किया गया। पशु चिकित्सा अधिकारी योगेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि पंजीकृत 600 पशुओं में से 250 पशुओं का उपचार व सामूहिक दवापान किया गया। इस मौके पर खंड विकास अधिकारी गजेंद्र प्रताप सिंह, डॉक्टर पीडी राजपूत, डॉक्टर पुष्पेंद्र राजपूत, पशुधन प्रसार अधिकारी शशिकांत दीक्षित, ग्राम प्रधान किशन गोपाल व पशुपालक मौजूद थे। हमीरपुर से संवाददाता पंकज कुमार शर्मा की एक रिपोर्ट। कैंप लगाया गया है आपकी जानकारी के लिए, जागरूकता के लिए। इसके साथ ही आप लोगों से मेरा एक निवेदन ये भी है कि आप लोग गायों का संरक्षण करिए, गाय पालिए। जैसे लोग ये प्रायः सुनने में आता है कि लोग अपनी गाय छोड़ देते, तो आप लोग देखिए गाय की अभी हमने पूजा किया, गाय की पूजनीय है, गाय की पूजा की जाती है, तो गाय आप अपनी जो निजी गाय है उसको पालिए। क्योंकि जो अन्ना जानवर है उसको, उसके लिए तो गौशाला संचालित हूँ, प्रत्येक ग्राम पंचायत में गौशाला संचालित हूँ, हम लोग उसका संरक्षण कर रहे हैं, वहाँ पर सारी व्यवस्थाएं करा रहे हैं, लेकिन जो आपके निजी जानवर हैं उनको आप पालिए। इसका मेन उद्देश्य यही है जो आज ये ग्राम मसीदन में लगाया जा रहा है, इसका मेन उद्देश्य ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा किसान जो हैं वो लाभान्वित हों। हम उनके गांव में आए हैं, उनको निःशुल्क दवा पान, दवा वितरण, जो भी पशुओं से बीमारी जो भी होती हैं उनसे रिलेटेड जो भी समस्याएं हैं उनकी समस्याओं का निदान किया जाएगा। और हमारे यहाँ पर दूर दूर से डॉक्टर आए हुए हैं, जिले से भी कुछ लोग आए हुए हैं, जनपद से हैं, कुछ ब्लॉक गोहाण से हैं, हर रोग के विशेषज्ञ यहाँ पर आए हुए हैं, तो उनको इस बारे में जानकारी दी जाएगी।